Sentence variation through parts of speech. Uh, parts of speech से आप लोग वाकिफ़ होंगे जिसमें nouns, verbs वगैरह आते हैं और इसमें इस सेशन इस में हम बेसिकली ये देखेंगे हाउ यू कैन हैव फन with पार्ट्स ऑफ स्पीच अक्सर जैसे कि लिखते लिखते कभी राइटर्स ब्लॉक भी आ जाते हैं या आपको आइडियाज़ के लिए आप स्टक होते हैं तो उसमें आप थोड़ा सा प्ले around कर सकते हैं parts ऑफ स्पीच के साथ और नए आइडियाज़ उसमें से निकाल सकते हैं देखते हैं कुछ उसके थोड़ी सी पहले जस्ट टू रीकैप के कि क्या क्या होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच लेफ्ट साइड पे लिखे हुए हैं और जो आगे रेड uh, में हाईलाइट हुए हुए वो वो वाला है जो उसके सामने लिखा हुआ है बर्ड इज़ अ नाउन और अगर द बर्ड में द इज एन आर्टिकल द वाइट बर्ड में एडजेक्टिव आ गया द वाइट बर्ड फ्लू इज नाउ अ वर्ब और उसके अलावा एडवर्ब्स में हो गया द वाइट बर्ड फ्लू ग्रेसफुली प्रपोजिशंस अगर आ जाएंगे द वाइट बर्ड फ्लू ग्रेसफुली ओवर द लेक उसके बाद प्रोनाउंस हैं द वाइट बर्ड फ्लू ग्रेसफुली ओवर द लेक टू हर नेस्ट और कंजंक्शन यानी कि जो वर्ड्स कनेक्ट करते हैं दाइट बर्ड फ्लू ग्रेसफुल ओवर द लेक टू हर नेस्ट बिकॉज द डे वॉज डन क्योंकि शाम वो स्पीच ये सारे पार्ट वो स्पीच हैं इनकी अदल बदल से आप कैसे मीनिंग uh, चेंज कर सकते हैं स्टोरी का रुख चेंज कर सकते हैं स्टोरी का जोना पूरा का पूरा चेंज कर सकते हैं। आइए देखते हैं uh, एक ये पहली एक पैराग्राफ है जिसमें बर्ड्स की थीम को लेके चली है और दूसरे में उसी uh, बाकी सारा सेंटेंसेस वही हैं लेकिन उसमें सिर्फ बर्ड्स की जगह मैनेजर्स डाल हैं लेट्स सी हाउ इट सीम्स डिफरेंट द बर्ड्स हैड गैदर्ड फॉर अ मीटिंग इट हैड बीन कॉल्ड बाय मिया वाज फेमस फॉर हिज पावर्स ऑफ कनिंग द क्रोज एंड द एंड द देंस ऑल न्यू वॉर इट वॉज अबाउट The golden egg that had gone missing from Mia Mithu's nest, iske baare mein meeting thi. Aur dusre mein dekhe humne nouns badlein activity, verbs, all of that is the same. The staff had gathered for a meeting. It had been called by the MD who was famous for his powers of cunning. The managers, directors and junior executives all knew what it was about. The falling sales of the company's most valued product in the last three months. तो एक इसमें उस गोल्डन एग था और इसमें जो है फॉलिंग सेल्स हैं ये चीज़ चेंज की और बर्ड्स की जगह हमने ह्यूमंस डाले सो so, अगर आपको किसी आइडिया के लिए स्टक हो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप यू कैन हैव फन टेक अ पैसेज फ्रॉम अ बुक दैट यू लाइक और उसमें नाउंस बदल के देखें कि उसका क्या फ्लेवर निकलता है या वो उसकी क्या शक्ल बन सकती है क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं बी इमेजिनेटिव डोंट थिंक कि ये तो हो ही नहीं सकता आप कहानी बना रहे हैं कहानी में कुछ भी हो सकता है सो हैव फन विद दिस उसके अलावा वर्ब्स वर्ब्स कुछ मिलते जुलते मानी के हमने लिए हैं और डाले हैं लेकिन ये कि देखें कि उनको मिक्स करने से कैसा वो इफेक्ट आ सकता है ट्राई टू मिक्स एंड मैच द वर्ब्स एंड द लोकेशन टू कम अप न्यू द विंड ब्लू अक्रॉस द मेडो द विंड रेज एट द लूज कॉटेज डोर द विंड रसल्ड द लीव्स द विंड किस्ट द सर्फेस ऑफ द डीप ब्लू ओशन तो विंड के डिफरेंट मूड्स इसमें सामने आ रहे हैं अब इनको थोड़ा सा बदल के देखते हैं तो वो सीन जो मेडो में पहले हमने कहा था कि ब्लू अक्रॉस द मेडो यानी कि वो जो एक नेचुरल uh, लैंडस्केप था खेत सा था उस पर हवा चल रही थी तो इससे एक प्लेजेंट सी फीलिंग आती है और अगर आप कहते हैं द विंड रेज्ड अक्रॉस द मेडो से कोई और सीन पढ़ने वाले के दिमाग में आते हैं सो दैट्स हाउ वर्ब्स आर इम्पोर्टेंट ऑल्सो दिन द लूज कॉटेज डोर पहले इट वॉज रेजिंग एट द लूज कॉटेज डोर माउ इट रसल्ड द लूज कॉटेज डोर यानी हल्के से उसके ऊपर उसने दस्तक टाइप दी दंड किस तीव पहले भी रसल्ड था ये किस्ट है they're both gentle words. और आखिर में दंड ब्लू अक्रॉस द सर्फेस ऑफ द डीप फ्लू ओशन तो आप खुद भी किसी अगेन किसी पैसेज को लेके और मिक्स एंड मैच करके देख सकते हैं कि वर्ब्स बदलने से उसकी शक्ल कैसे बदलती है या आप और कुछ वर्ब्स हैं इनको देखें ही स्टेड एट द वड ही एग्जामिन दुंड एंड ही नोटिस द मूंड इन सब में बेसिक चीज़ यही है कि देखा जा रहा है लेकिन देखने के अंदाज डिफरेंट है और उससे आपके दिमाग में हो सकता है कोई डिफरेंट कैरेक्टर के बारे में जो है डिफरेंट इमेज या आइडिया बन रहा हो जो हमारा ख्याल था कि वो जो कन्वे करने की कोशिश थी वो ये था स्टेयर एट द मूड में शॉक है डिसबिलीफ हैरान है परेशान है तो इसलिए वो स्टेयर कर रहा है जो एग्ज़ामिन कर रहा है वो हो सकता है डॉक्टर होगा इसलिए वो एग्जामिन कर रहा होगा और जो नोटिस कर रहा है वो सिर्फ उसने अभी देखा है पहले नहीं देखा था उसने ही नोटिसिंग इट मे बी फॉर द फर्स्ट टाइम सो दैट्स हाउ द इंटरप्ले ऑफ वर्ब्स कैन क्रिएट न्यू सिचुएशन एंड न्यू मीनिंग्स फॉर द रीडर एडजेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट होता है राइटिंग का uh, इसमें हमने कुछ लिखे हैं और आप, आपके लिए ये सोचने के लिए एक चीज़ छोड़ी है विच वन वुड यू वॉन्ट टू बी द टाइटल ऑफ योर स्टोरी थिंक अबाउट वॉट द बेसिक स्टोरी लाइन वुड भी अगर ये टाइटल होगा इसमें से कोई तो उसकी फिर कहानी उसके पीछे या उसकी कहानी की मेन प्लॉट क्या हो सकता है मोटी सी आउटलाइन क्या हो सकती है कैन यू थिंक ऑफ अनदर स्टोरी टाइटल विध एन एडजेक्टिव फॉर आईज इसमें आइज़ के साथ हमने एडजेक्टिव लगाए हैं कोशिश करें कि आप भी कोई और एडजेक्टिव सोच सकते हो आइज़ के साथ का द गर्ल विथ इम्पिश आइज इम्प होता है एक छोटा सा छलावा एल्फ टाइप का तो इम्पिश मीन्स नोटी वेरी नोटी द गर्ल विथ इम्पिश आइज़ द बॉय विथ लिम्पिड आइज लिम्पिड का मतलब होता है जैसे कोई गहरा पूल होता है जिसकी बड़ी सी और स्टिल होता है जो तो अक्सर जो कलर्ड आंखें होती हैं ग्रीन या ब्लू उनके लिए ये ज्यादातर यूज होता है लिम्पिड आइज़ द प्यर्सिंग आइज इन द डार्क चुपती हुई आंखेंगी अंधेरे में एमटी हार्ट्स मेरी आईज खाली दिल और खुश आंखें या हंसती हुई आँखें या आँखें, जो आँखें हंसती हुई नजर आ रही हैं इसमें से आप सिलेक्ट करें कौन सा टाइटल आपको पसंद है और अगर आप कहानी लिखेंगे तो उसमें फिर मेन आउटलाइन या मेन उसमें कहानी में क्या बताया जा रहा होगा सो वी होप यू हैव फन विद दिस उसके अलावा प्रोनाउंस प्रोनाउंस से भी काफ़ी इफेक्ट क्रिएट किया जा सकता है वैसे तो ये एक हेल्पिंग uh, सी चीज़ है कि आपने नाउन बार बार नहीं कहना तो उसकी जगह प्रोनाउन कहना है लेकिन ये भी कोई एक ख़ास मूड क्रिएट करने के लिए और कोई मतलब बयान करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं Uh, ये दो हम प, दो पैराग्राफ्स हैं एक में नाउंस डाले हुए और एक में सिर्फ प्रोनाउंस। ही ओपन द डोर एंड स्टेप इन साइड शी हर्ड फुट स्टेप्स दे हर्ड हिम कम अप द स्टेयर्स साइलेंस एंड देन इससे आपके दिमाग में कोई एक इम्प्रेशन आ रहा होगा और अगर हम इसके अंदर ये नाउंस डालें तो फिर देखें कैसे डिफरेंट बनता है अबू ओपन द डोर एंड स्टेप इन साइड अम्मी हर्ट फुट स्टेप्स गुड डी एंड मुन्ना हर्ड हिम कम अपर्स साइलेंस एंड देन सरप्राइज वो एक फैमिली है जो अपने अब्बा के घर आने का वेट कर रहे हैं ताकि वो उनको सरप्राइज बर्थडे पार्टी या कोई इस तरह की चीज़ विश करें तो लेकिन शुरू वाले में थोड़ा सा खौफ का एलिमेंट है और जब नाउस आपने डाले हैं और स्पेशली वैन यू नो इट्स अ फैमिली देन इट गिव्स अ डिफरेंट फीलिंग कंजंक्शंस में भी यही है Uh, के फोकस uh, जो है और जो एम्फोसिस है जुमले का वो चेंज हो सकता है उससे अगर ऑल दो हम इस्तेमाल करेंगे ऑल दो दाऊद वॉज टायर्ड ही ड्रैग्ड हिम सेल्फ आउट ऑफ बेड टू टेक दैट फ़ोन कॉल यानी फिर भी वो उठा फ़ोन सुनने के लिए गो के वो थका हुआ था दाऊद वॉज टायर्ड बिकॉज ही ड्रैग्ड हम सेल्फ आउट ऑफ बेड टू टेक दैट फोन कॉल वैसे वो थका हुआ नहीं था उस फ़ोन कॉल को सुनने से वो थक गया था क्योंकि उसने उठ के फ़ोन सुना और आखिरी उसका है नॉट ओनली वॉज टायर्ड ही ऑल्सो हैड टू ड्रैग हिमसेल्फ आउट ऑफ बेड टू टेक दैट फोन कॉल तो इसमें ये पेयर है कंजंक्शंस का नॉट ओनली के साथ हमेशा ऑल्सो भी आता है सो दीज आर सम पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड यू कैन यूज़ देम डिफरेंटली एंड हैव फन विद देम एंड सी के आप उसके साथ अपनी क्रिएटिव राइटिंग में कैसे सपोर्ट ले सकते हैं ये सिर्फ जुमले को करेक्ट या इनकरेक्ट अनाउंस uh, करने के लिए नहीं होते बल्कि इनके और बहुत से क्रिएटिव पर्पजेज भी होते हैं जैसे कि अभी हमने आपको शो किया थैंक यू